CTET और BTET शिक्षक बहाली को लेकर पटना के डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी और करने लगे प्रदर्शन। उन्होंने कहा 3.5 वर्षों से हमारी बहाली नहीं हुई है और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर 2019 से ही लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार पे बिलीव करके कुछ दिन के लिए हम लोग घर में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रवैया है वो हम लोग के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। जो तेजस्वी जी आए थे सरकार में तो हम लोग को लगा था कि युवा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो भी झूठे ही साबित हुए। अभी तक हम लोग के लिए समझे कि नियमावली तक नहीं बनी है सर, तो हम लोग का लास्ट उपाय क्या है? हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? घर बैठे हम लोग को तो नौकरी मिलने वाली नहीं, अगर मिलनी रहती तो हम लोग को 3 साल 4 साल से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अभी तक मिल जाता। सैकड़ों की संख्या में पटना के डाकबंगला चौराहा पर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर कर रहे मांग। पटना के डाकबंगले चौराहे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थी को डाकबंगला चौराहे पर रोका।